आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 क्षित्र क्षित्रज्ञ विभाग योग का श्लोक 31 देखते हैं। पहला चरण अनादि अ पूरा है, ना दी को छोटी मात्रा को लंबा नहीं खींचना, अनादि त्वान आधे त को वाक और आधे न के साथ त्वान त्वान अनादि त्वान नी। जब भी आधा अक्षर आता है ना, कुछ लोग उसमें अ मिक्स करते हैं, राग होते होते उनका अ मिक्स हो जाता है। ध्यान रखना है जब भी अनंत, तो एक बार आप स्टॉप कर दे, अनादि त्वान 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 निर्गुण, ऐसे गाना गलत है। नी गु पर है आधा र, निर्गुण त्वा जैसे त्वान था वैसे त्वात त्वात, ध्यान देंगे पहले त्वान है बाद में त्वात है। पहला चरण वापस अनादि त्वान निर्गुण त्वात। दूसरा चरण पर, इसको परमात्मा कोई नहीं बोलना, प और र पूरे पूरे दोनों में अमिक्स करना, परमात्मा यम दोनों पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स किया, यम व य के साथ व्य फिर वापस य उसमें अ व्य य। ध्यान देना व्य नहीं पढ़ना इसको, व्य तक तो कौन सा होगा आधा व और य व्य है ना, य पूरा है आधे व को य के साथ पढ़ा व्य, फिर एक और य है तो व्य य में अ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह व्य ह। दूसरा चरण वापस परमात्मा यम व्यय, पहला और दूसरा चरण साथ में सभी लोग को बोलना है, अनादि त्वान निर्गुण त्वात् परमात्मा यम व्यय। तीसरा चरण श, श में अमिक किया, री की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे, आद पूरा र है शरीरस, र के साथ आधा स शरीरस हो के बाद में क्या है अवग्रह, अवग्रह का मतलब आपको अ नहीं बोलना है, थो की मात्रा को लंबा खींचना है, शरीर थोपी पी को नहीं बड़ा करना क्योंकि पी मात्रा बड़ छोटी है, थो को खींचना है शरीर थोपी कपी, औ की मात्रा कौन, कौ के साथ आधा न कौन ते य पूरा य में अमित क्या कौन ते य। तीसरा चरण वापस शरीर स्थोपि कौन्तेय। चौथा चरण न, न में अमिक्स किया, न करोति क में वापस अमिक्स किया, करोति न पूरा वापस न में अमिक्स किया, न ली के साथ आधा पर लिप य में अमिक्स किया, लिप यते लिप यते ऐसे नहीं बोलना, लिप यते। चौथा चरण वापस न करोति न लिप यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में शरीर स्थोपि कौन्तेय, न करोति न लिप यते, पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अनादि निर्गुणत्वात् परमात्मा यमाव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। एक बार वापस, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमाव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्लोक का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये अध्याय पूरा ही इंपॉर्टेंट है जिससे हम अपने स्वरूप का ज्ञान बहुत अच्छे से होता है। अनादि त्वान, अनादि होने से अब आधा न त्वान में हो गया, फिर क्या बचा निर्गुण त्वात, निर्गुण यानी गुणों से रहित जिसमें गुण रहित है, प
परमात्मा, परमात्मा के लिए यम। देखिए इसमें क्या होगा, ममी अमिक्स किया था तो अव्यय, अव्यय का अर्थ क्या हो गया, अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। व्यय यानी क्या होता है, खर्च, नाश, तो अव्यय जो अविनाशी है। अब इसमें हमने परमात्मा, उसके बाद में परमात्मा और अ, आ और अ की मात्रा मिलके आ बनता है, इसलिए परमात्मा बन गया। और अयम आधम, ये देखिए ये वाली चीज बोल रही हूं मैं, अयम, क्योंकि आधे म और इसमें अ जो मिक्स किया था वो तो आगे में बनाती अव्यय। अयम का अर्थ हो गया यह खुद जो पुरुष होता है वो, मतलब जीव। शरीरस्थोपि, तो शरीर में स्थित। अपि यानी भी, कौंतेय कुंती के पुत्र अर्जुन, न करोति न करता है, न लिप्यते न लिपायमान होता है। क्या पूरा अर्थ हुआ देखते हैं। ही कुंती नंदन, यह अयम यानी यह जो पुरुष होता है, एक प्रकृति होती है, पुरुष होती है प्रकृति, जिससे गुण होते हैं, जिसमें सात्विक राजसी तामसी, जिसके कारण ही सारी क्रियाएं होती हैं। और पुरुष कौन, ये जीव खुद। तो यह पुरुष क्या है, अनादि है और गुणों से रहित होने के कारण अविनाशी जो परमात्मा है उन्हीं का स्वरूप है। हम डेली अपनी जब पांच श्लोक बोलते हैं तो एक बात बोलते हैं, अविनाशी सहज सुख राशि। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वरूप का ज्ञान है कि हम अविनाशी हैं, इस शरीर के साथ खत्म होने वाले नहीं है। अविनाशी क्यों है, क्योंकि हम परमात्मा की संतान है। उसी बात को यहाँ बताया गया है कि यह जो पुरुष होता है, मतलब जो जीव है, वो अनादि और गुणों से रहित होने के कारण अविनाशी परमात्मा का स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता है, शरीर में आत्मा स्वरूप में रहता है, रहने के बाद में भी न तो ये कोई क्रिया करता है, क्योंकि क्रिया किसके द्वारा होती है, गुणों के द्वारा, जो सात्विकी राजसी और तामसी गुणों के कारण होती है। लेकिन हमारा स्वरूप क्या है, गुणों से रहित है, इसलिए न तो ये कोई क्रिया करता है, और जब कोई करता ही नहीं है तो फिर वो भोक्ता कैसे बनेगा। इसीलिए जब वो कोई करता नहीं है तो वो किसी भी पाप पुण्य से लिपायमान नहीं होता। इस लाइन को थोड़ा सा डिस्क्राइब और करना चाहूंगी, न करोति न लिप्यते। एक बार अपने ग्रुप के किसी मेंबर ने, जब मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे डाली तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कैसे हो सकता है। देखिए, न करोति और न लिप्यते, हमको करता हुआ काम कौन दिखता है, शरीर या हम, हमारा स्वरूप आत्मा है। कभी आपने देखा आत्मा काम कर रही है, आत्मा हमारी हर क्रिया पर दृष्टि रख रही है। तभी तो जब हम सोए रहते हैं ना, जब बहुत गहरी नींद आती है, तो उसका ध्यान कौन रखता है, वो शरीर सोता है, लेकिन उसको ध्यान कौन देता है, जो हमारा खुद का स्वरूप है आत्मा। उसे ये पता होता है कि शरीर सो रहा है, तभी तो जब हम सोकर जगते हैं तो हमको लगता है बहुत अच्छी नींद है। तो दृष्टा और होता है, मतलब देखने वाला कोई और है और करने वाला कोई और है। तो देखने वाला जो है वो है आत्मा, और करने वाला है ये शरीर। तो क्रिया सारी शरीर के द्वारा होती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर सारे पाप पुण्य का भी जो खाता होता है ना, वो उसके साथ ही खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर पाप पुण्य भोगेगा कौन। देखिए, जो दृष्टा होता है, जो देख रहा है, वो कौन है, आत्मा। वो एक कैरियर की तरह कार्य करती है, यहाँ पर जितना आपने काम किया उसको वो इकट्ठा करती है, सबको ध्यान रखती है, और फिर किसी और शरीर के थ्रू उस सबको भोग करवाती है। अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो आपको पुण्य भोगना पड़ता है, और बुरा कार्य किया है तो वो पाप भोगना पड़ता है। तो कैरियर कौन है, आत्मा। शरीर भले ही खत्म हो जाए, पर पाप पुण्य का लेखा जोखा जो ध्यान रख रहा है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अविनाशी है। इसीलिए जो ध्यान रख रहा है ना, वो सजा देने का अधिकारी। इसीलिए आत्मा सब जगह दृष्टा रखती है, लेकिन वो किसी भी तरीके से पाप पुण्य से लिपायमान नहीं होती। इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि जो सूरज होता है उजाला करता है, उस उजाले में ही कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई झूठ बोलता है, तो उसका पाप क्या सूरज को लगता है। उजाले में, सूरज के उजाले में अगर कोई भी चोरी करता है, डकैती करता है, किसी की निंदा करता है, किसी को मारपीट करता है, तो उसका पाप किसको भोगना पड़ेगा, जो कर रहा है, ना कि सूरज को। इसी तरह सूरज की जगह हमारी आत्मा है, और जो कर रहा है वो ये शरीर है।
इसीलिए दूसरे से दूसरे शरीर को वो भोग भोगने पड़ते। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नाथ।